हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं तो आप देख रहे हैं मिथिला इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको विंडो एसी कैसे फिटिंग करना है। ये क्वेश्चंस बहुत लोगों को आ रहा था, तो आज के इस वीडियो में आपको ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपको विंडो एसी कैसे फिटिंग करना है, जिसके माध्यम से आप लोग विंडो एसी को बिल्कुल आसानी से फिटिंग कर सकते हैं। आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो को देखने की जरूरत है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलती रहेंगे। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक विंडो एसी रखी हुई, जिसको आज हम फिटिंग करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि आपको विंडो एसी कैसे फिटिंग करना, कैसे लगाना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारा एक विंडो बना हुआ है, इसी में हमारी ये एसी फिटिंग होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो हमारी विंडो एसी रखी हुई है उसका सबसे पहले नाप लेना, फीते से नापना कि हमारी ये विंडो एसी कितने इंच की है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है। उसके बाद आपको विंडो को खाली करना, विंडो खाली करने के बाद हम अपने यहाँ पर एसी को फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास गोदरेज की यहाँ पर एक एसी है, जो कि आप लोग देखते हैं, और इसमें आपको 5 साल की वारंटी मिल जाएगी और आपको इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग किसी भी कंपनी का कोई भी एसी हो, आपको फिटिंग कैसे करना है ये चीज़ आपको इस वीडियो में ध्यान से देखना है। ये इसकी आगे वाली प्लेट है, जो कि आप लोग देखते हैं, इसको हम सबसे लास्ट में लगाएंगे। तो सबसे पहले अपनी एसी को लगाएंगे, ठीक है। विंडो सही करने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एसी का जो ऊपर वाला कवर होता है इसको हम खोल लेंगे। यहाँ पर 2 पेच लगे होते हैं, इसको खोलने के बाद अपनी एसी को हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। उसका जो हमारे एसी का जो ढक्कन होता है वो बाहर निकल आता है। तो सबसे पहले अपनी एसी को खींचेंगे, जैसा कि आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से अपनी एसी को यहाँ पर खींचेंगे और एसी का जो हमारा कवर होता है, जो ढक्कन होता है, वो बाहर निकल आएगा और उसको ही हमको अपने विंडो में फिट करना है। और ये हमारी मेन एसी है, जिसमें यहाँ पर कंप्रेसर लगा हुआ है, आउटपुट और इनपुट दोनों यूनिट यहाँ पर लगे हुए हैं, और यहाँ पर जो हमारी मेन एसी है वो यहाँ पर यही है, और इसी से हमारी एसी कूलिंग करती है, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, अपने विंडो में इस एसी को ऐसे रखना होगा और आपको स्क्रू के माध्यम से इसको फुल टाइट करना होगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं, या फिर आपको यहाँ पर जो छोटे वाले कीले आते हैं, जो हमारे 1.5 इंच वाले जो कीले आते हैं, उसके माध्यम से आपको विंडो पर इसको ठोकना होगा, अच्छे से इसको लगाना होगा, ताकि इसमें कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अगर हमारा लकड़ी का विंडो यहाँ पर बना हुआ है, तो आपको यहाँ पर कीले के माध्यम से ठोकना है, या फिर आप लोग 1.5 mm का जो 1.5 इंच का जो हमारा पेंच आता है, उसके माध्यम से आप लोग इसको फुल टाइट करना है और ज़रा सा भी हमारा ये ना हिले, ठीक है। जो कि आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको अपने विंडो में इस फ्रेम को यहाँ पर फिटिंग करना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखते हैं ऐसे ही आपको अच्छे से कीले ठोकना है और इसको एकदम यहाँ पर मजबूत लगाना, ये नहीं कि आप लोग जल्दबाजी में इसको यहाँ पर ऐसे उल्टा सीधा लगा दें और फिर बाद में उखड़ जाए, फिर आपको दिक्कत होगी। तो आपको अच्छे से जो है यहाँ पर इसको फिटिंग करना, ठीक है। और इसको फिटिंग करते समय एक लड़के को आपको पीछे भेजना है इसको यहाँ पर, ताकि इसको रोके रहे और आप यहाँ से अच्छे से यहाँ पर पेंच लगा सकें, अच्छे से यहाँ पर कील लगा सकें, ताकि ये एकदम अच्छे से हमारा मजबूत हो जाए, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमने इसको कील को लगा दिया, ऊपर भी हम यहाँ पर लगा देते हैं, नीचे भी लगा देते हैं, और उसके बाद अपने एसी को हम यहाँ पर फिटिंग करेंगे। उसके बाद आपको चालू करके भी दिखाएंगे कि हमारी एसी ये कैसे काम कर रही है, कूलिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, और कैसे अच्छे से आप लोग अपने घर पर बिल्कुल आसानी से विंडो एसी को फिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। जो सबसे मेन काम इसका होता है, ये यही होता है हमारी विंडो एसी का फ्रेम सेट करना। फ्रेम सेट होने के बाद आपको एकदम इसको अच्छे से हिला के देख लेना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद अपनी एसी को उठाएंगे, इसको अपनी एसी के अंदर डाल देंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और आपको बहुत सावधानी से काम करना, ऐसे आपको एसी को लेकर जाना है और इस फ्रेम के अंदर ऐसे डाल देना है, बस हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, एसी फिटिंग हो जाएगी। आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको ऐसे ही अंदर यहाँ पर डाल दे, जैसे आपने निकाला था वैसे ही आपको फिर से अंदर इसको डाल देना है, बस बिल्कुल आसानी से हमारी एसी यहाँ पर फिटिंग हो जाएगी। आप लोग देख से यहाँ पर हम इसको हिलाकर देख रहे हैं, बट काफ़ी ज़्यादा अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमारी एसी यहाँ पर फिटिंग हो चुकी है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देखते हैं यहाँ पर एकदम बिल्कुल आसानी से हमारा एकदम मजबूत है। आपको यहाँ पर हिला कर देखना, यहाँ पर लेना है, अगर ये ढीला होगा तो ये हमारा निकल जाएगा, फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी, आपको दोबारा लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने प्लग को लगाएंगे और यहाँ पर एसी को चालू करेंगे, और जो एसी के जो बाहर वाला जो यहाँ पर एक यहाँ पर कवर लगा था उसको भी लगा देंगे,
उसके बाद आप लोग को यहाँ पर चालू करके एसी को दिखाते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारा बाहर वाला कवर है और इसको हम क्या करेंगे अपनी एसी के ऊपर रखेंगे और हल्का सा पीछे को यहाँ पर प्रेस करेंगे, ये बिल्कुल आसानी से फिटिंग हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से लग जाएगा, कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो विंडो हमारा यहाँ पर खुला हुआ है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ लगा देना है, क्योंकि अगर हमारी एसी चलेगी तो जो हमारी एसी की जो हमारी कूलिंग करेगी वो सारी बाहर ही निकल जाएगी, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक बिल्कुल आसानी से कवर लग चुका है, ठीक है। अभी अपनी एसी को हम यहाँ पर चालू करके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर एक कैसे वर्क कर ले, कैसे काम कर रही है, और आप लोग ऐसे ही बिल्कुल आसानी से अपनी एसी को फिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अपने एसी को हमने यहाँ पर चालू कर दिया है, ठीक है। बट अभी अपनी एसी को यहाँ पर बंद कर देते हैं। सबसे पहले इसमें जो यहाँ पर जो विंडो यहाँ पर खुला हुआ है इसको सबसे पहले बंद कर देंगे, उसके बाद अपनी एसी को आपको चालू करके दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका यहाँ पर फॉर्म बचा हुआ था इसी को हम यहाँ पर जो जहाँ जहाँ पर विंडो हमारा यहाँ पर खुला हुआ है उसी में इसको फिटिंग कर देंगे और हम अपने सारे विंडो को बंद कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना, जहाँ पर भी आप लोग एसी लगाएं, जहाँ पर विंडो आप लोग खोलें वहाँ पर आपको वैसे ही विंडो फिर से बंद कर देना है। जो हमारा यहाँ पर फॉर्म बचता है या जो हमारा यहाँ पर इसका गत्ता बचता है इसी को आपको अच्छे से लगा कर आपको बंद कर देना, ठीक है। जो कि आप लोग देखते हैं कुछ इस प्रकार से आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने ऊपर लगा दिया है और इसके बगल में भी हमारा एसी के बगल में भी यहाँ पर स्पेस है, उसमें भी हम यहाँ पर हम थर्मोकोल को लगा देंगे और बिल्कुल आसानी से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको अपनी एसी को ऐसे ही फिटिंग करना, विंडो एसी आप लोग बिल्कुल आसानी से ऐसे फिटिंग कर सकते हैं। और अगर आपको स्प्लिट एसी फिटिंग करना है तो इस पर भी हमने एक फुल वीडियो बनाई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, आपको इन डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारी एसी बिल्कुल आसानी से चालू हो चुकी है, यहाँ पर फिटिंग हो चुकी है और हमारी एसी एकदम अच्छे से कूलिंग करना स्टार्ट हो चुकी है। आप लोग देखते हैं हमारी एसी 16 नंबर पर चल रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर कूलिंग कर रही है। और आप लोग विंडो एसी को ऐसे ही फिटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मन में कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पर फिर से वीडियो बना के देंगे जिसके माध्यम से आप लोग बिल्कुल आसानी से एसी लगाना सीख जाएं और एसी फिटिंग करके आप लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।